उपचुनाव हुए जिनके नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। जनता अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। जहां जहां कांग्रेस की हार होती है वहां वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। चंडीगढ़ अलग से का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो विधानसभा की बात है, क्योंकि जो अभी हमारी जो बिल्डिंग है वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसमें तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, बढ़ा नहीं किया जा सकता तोड़ करके। इसलिए नई जगह पे विधानसभा बनाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है, हम कोई उसको छोड़ नहीं रहे, वो जो जितनी जगह हमारे पास वो तुम्हारे पास रहेगी, हम यूज़ करेंगे उसको, तो कोई छोड़ने की बात नहीं है। बात ये थी कि अगर ये समझौते की, तो उस टाइम समझौता था कि 107 गांव हैं हिंदी भाषी जो हरियाणा को दे दिए जाए, चंडीगढ़ पंजाब को दे दी जाए, वो तो उस समय की बातें थी सारी। स्पष्ट तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है, और डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी हैं, सारे की सारे जनता की सेवा के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी पार्टी है नहीं, कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई शैलजा गुट है, कोई सुरजेवाड़ा का गुट है, और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, और केवल गरीब लोगों से वोट हथियाने के लिए एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सरकार उनकी बनी तो केवल और केवल उनके साथ धोखा करने का काम किया, कुछ देने का काम नहीं किया। यमुनानगर में कई सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। चुनाव होने के बाद भी अभी तक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे में जगाधरी पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। कई जगह गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। परेशानी तो है भाई, बहुत ज्यादा। पीछा देख लो, आपके सामने गड्डी भी फूकी खड़ी, पीछा टैको भी वजह थे, बहुत ज्यादा परेशानी है भाई। जिस हॉस्पिटल वगैरह में भी जाना पड़ जा बाइक वाले नु, या मान ले हर बंदे पर तो गड्डी नहीं है, देखो एक प्रेगनेंसी वाली लेडीज भी जावा, देखो बहुत दिक्कत आ जा भाई। सबसे रोड खराब है ये, इस तो काफी टाइम हो गया भाई, इस थोड़ा दिन चला गा उसके बाद फिर ऐसी बोले टेम्परेली है भाई, कुछ नहीं है, आप ही खुद ही देख लो, आपके सामने है। टक्कर टुक्कर मारते सारी तरह से परेशान है, ये तो बस रहने दी रहा, कभी वहाँ ठीक थोड़े बहुत ना, कोई नहीं बना रहा। सरकार से मांग तो यही है भी सड़क ठीक करो। वहीं पानीपत में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में एक मामला पानीपत